योगी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औखल निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्नाव पहुंचे, जहां मंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पीएम और सीएम लगातार महंगाई नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं इस दौरान राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला और कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वह किसी की भी जांच कर सकती है। उन लोगों ने ऐसा काम किया जो डर रहे हैं। इसके साथ ही बलदेव सिंह औखल ने महंगाई को नकारते हुए कहा कि महंगाई नियंत्रण में है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और सरकार जनमानस के हित में काम कर रही है, तो वहीं योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा रही है। राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी पर मंत्री बोले कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उन लोगों ने ऐसा काम किया जो डरते हैं, ईडी किसी के खिलाफ भी कोई भी जांच कर सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में सूखे के हालात पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कल ही सूखे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश कम हुई है, वहीं उन्नाव में भी बारिश कम होने से किसानों की परेशानी बढ़ी है, सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। तो वहीं भाजपा सरकार ने किसानों का हमेशा ध्यान रखा है, किसानों के हित में समय समय पर तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।